हेलो फ्रेंड, जंगली मूवी को धूल चटाने आई बॉक्स ऑफिस पर रोमियो अकबर वाल्टर मूवी जो खास धमाल नहीं मचाई बॉक्स ऑफिस पर और जंगली मूवी शानदार पकड़ बनाए हुए है। जबकि दूसरी तरफ मलयालम मूवी लूसीफर के बाद एक और मलयालम मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और बढ़िया आउटस्टैंडिंग सुपर रन कर रही है। जबकि तीसरी तरफ पंजाबी मूवी गिप्पी गिरीवाल, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी मूवी मंजे बिस्तरे 2 जिसने बढ़िया ओपनिंग दी और आज सेकंड डे पर उससे भी बढ़कर ऑक्युपेंसी गेन कर रही है। तो चलिए आज की दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कर दीजिए एक लाइक इस वीडियो को। वेल फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं मंजे बिस्तरे 2 मूवी की, जिसने कैरी ऑन जट्टा के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन कैरी ऑन जट्टा 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन मूवी ने अपने फर्स्ट सीक्वल के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। इस मूवी के लीड रोल में गिप्पी गिरीवाल शामिल है और इसको प्रोड्यूस भी गिप्पी गिरीवाल खुद ही कर रहे हैं। इस मूवी ने अपनी रिलीज के फर्स्ट डे पर भारत से पंजाब भर में कमाए 3.1 करोड़ और सेकंड डे पर अभी तक आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक कमा लिए हैं 3.6 करोड़। इस मूवी का भारत से तो टोटल कलेक्शन हो चुका है 6.7 करोड़, लेकिन मूवी ने ओवरसीज में भी बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करते हुए कनाडा और यूएसए से शानदार कलेक्शन किया और कमाए हैं 3 करोड़। तो अब अगर भारत के ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज के कलेक्शन दोनों को ऐड किया जाए तो मंजे बिस्तरे 2 मूवी का कलेक्शन होता है 9.7 करोड़, जबकि इस मूवी का बजट है सिर्फ 11 करोड़ और बहुत जल्द ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का वर्डिक्ट हासिल कर लेगी। सेकंड नंबर पर जंगली मूवी की बात की जाए तो 30 करोड़ के बजट पर बनाई गई इस मूवी के लीड रोल में विद्यु जम्वाल का साथ दे रही हैं आशा भट्ट और पूजा स्वानत। इस मूवी ने अपनी रिलीज के फर्स्ट वीक पर 21.20 करोड़ कमाए और अगर बात की जाए आज 16 डे की तो अभी तक आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी ने कमा लिए हैं 0.60 करोड़ और मूवी का टोटल 16 डेज का भारत से नेट कलेक्शन हो चुका है 30.5 करोड़, जिसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 38 करोड़। और ओवरसीज में तो मूवी ने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया और कमाई 22 करोड़ और भारत में हिट होने के वर्डिक्ट हासिल करने से पहले ही ये मूवी ओवरसीज से हिट हो चुकी थी। क्योंकि मूवी ने 22 करोड़ का आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया तो इस तरह इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइडली ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 60 करोड़। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विद्यु जम्वाल आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो अब थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं मलयालम लैंग्वेज की मूवी मधुरा राजा की, जिसके लीड रोल में शामिल है ममूती सर, जिनकी बढ़िया फैन फॉलोइंग है। इस मूवी को 30 करोड़ के बजट पर बनाया गया और इसने अपनी रिलीज के फर्स्ट डे पर 16 करोड़ कमाए और सेकंड डे पर अभी तक आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी कमा चुकी है 18 करोड़। तो इस तरह मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइडली ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 34 करोड़। तो मूवी आखिरकार अपना बजट तो पूरा कर चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये मूवी लूसीफर को टक्कर देते हुए शानदार कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है और किसके हैं फैन, ममूती सर के, विद्यु जम्वाल के या के गिप्पी गिरीवाल के? नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स आप लोगों की राय के लिए ही है, तो अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे मूवी कॉर्नर।